आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चीना इन द किचन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। मशरूम सूप बनाने के लिए मैंने लिए हैं 250 ग्राम मशरूम्स। सबसे पहले हम 250 ग्राम मशरूम में से लगभग 50 ग्राम यानी कि 4 से 5 मशरूम को रफ चॉप करके मिक्सर जार में डाल देंगे। इनका हमें फाइन पेस्ट बनाना है जिसको हम सूप बनाने में यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इस पेस्ट को बनाते हुए मशरूम्स के साथ 1 टेबल स्पून स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं। और जो बाकी बचे हुए मशरूम हैं इनको हम चॉप कर लेंगे। जो रेसिपी मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ रेस्टोरेंट में बिल्कुल ऐसे ही मशरूम सूप या मशरूम स्वीट कॉर्न सूप बनाया जाता है, तो इसको बनाने में हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत क्रीमी, टेस्टी और परफेक्ट थिकनेस के साथ ये सूप बनने वाला है और इसका फ्लेवर तो आपको इतना पसंद आएगा कि आई एम श्योर आप बाज़ार का रेस्टोरेंट्स का मशरूम सूप तो बिल्कुल भूल ही जाने वाले हैं। तो मशरूम हमारे चॉप हो गए हैं और इसके साथ ही हमें लेना है यहाँ पर अदरक और लहसुन। यहाँ मैंने ली थी 10 से 12 कली लहसुन की, इसको मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है, तो लगभग 1 टेबल स्पून लहसुन है ये। और उसी तरह से यहाँ पर है 1 टेबल स्पून बहुत बारीक किया चॉप किया हुआ अदरक। आप ध्यान रखिएगा इनको हम पेस्ट नहीं बनाएंगे, हमें बहुत बारीक चॉप ही करना है। चॉप किए हुए अदरक और लहसुन का मशरूम सूप में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो चलिए अब सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को मीडियम टू हाई फ्लेम पर रख दिया है और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून बटर, और बटर के मेल्ट होते साथ ही यहाँ पर हम ऐड कर देंगे जो हमने चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक रखा है। अब फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए और बस अब लो फ्लेम पे हमें इनको सिर्फ 30 से 40 सेकेंड्स तक ही पकाना है। ध्यान रखिएगा कि हमें लहसुन और अदरक को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ 30 से 40 सेकेंड तक ही पकाएंगे, इतने में इनकी रॉ स्मेल चली जाएगी। और अब हम इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए मशरूम्स। अब आप वापस से फ्लेम को हाई कर दीजिए और हाई फ्लेम पर हमें मशरूम्स को भी सिर्फ 30 से 40 सेकेंड्स के लिए ही सौते करना है, क्योंकि मशरूम्स पहले से ही बहुत सॉफ्ट होते हैं तो हमें इनको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हम बाद में पानी डालेंगे सूप बनाने के लिए, तो उसके साथ भी ये पकेंगे। तो हाई फ्लेम पर सिर्फ 30 से 40 सेकेंड्स के लिए ही आप मशरूम्स को भी सौते कर लीजिए। और बस इनको आधा मिनट सौते करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जो हमारे सूप वाले बॉल होते हैं उन्हीं से मेजर करके मैं यहाँ पे 4 कप पानी डाल रही हूँ। तो लगभग 1 लीटर पानी हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं मशरूम्स में। अगर आप मशरूम स्वीट कॉर्न सूप बना रहे हैं तो इसी स्टेज में पानी के साथ ही यानी कि लगभग 4 से 5 टेबल स्पून मशरूम भी स्वीट कॉर्न भी डाल दीजिए। और अगर आप सिर्फ मशरूम सूप बना रहे हैं तो स्वीट कॉर्न ना डालिए। और बस अब हम इसको मिक्स कर देंगे और साथ ही में हम यहाँ पर डाल देंगे जो हमने फाइन पेस्ट बनाया था मशरूम्स का, इससे थिकनेस बहुत अच्छी आ जाएगी। लास्ट में हम कॉर्नफ्लोर की स्लरी तो ऐड करेंगे ही, तो थिकनेस में वो तो हेल्प करेगा ही, पर अगर हम ऐसे पेस्ट बना के डालते हैं थोड़े से मशरूम और स्वीट कॉर्न का या सिर्फ मशरूम का, तो उससे सूप का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है और थिकनेस भी बहुत अच्छी हो जाती है। और अब साथ ही में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे नमक और पेपर। तो यहाँ मैंने यूज़ किया है लगभग 1 टीस्पून नमक, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। और साथ ही में मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर की जगह यूज़ किया है वाइट पेपर। रेस्टोरेंट्स में मशरूम सूप में वाइट पेपर ही यूज़ होता है। टेस्ट तो लगभग दोनों का सेम ही रहता है, वाइट पेपर और ब्लैक पेपर का, पर बस इस सूप में हम थोड़ा सा कलर की वजह से वाइट पेपर यूज़ करते हैं। तो अगर आपके घर में है तो डाल लीजिए, नहीं है तो ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर ही डाल दीजिए। और अब आप देख सकते हैं सूप बारा हमारा अभी तक हाई फ्लेम पर है और इसमें बॉईल आने लगा है। और अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर की स्लरी सूप की थिकनेस को अच्छा करने के लिए। तो यहाँ पर हमने 1 लीटर पानी यूज़ किया था और हम इसमें 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर की स्लरी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल में 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है, इसको हम 2 टेबल स्पून नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि ठंडे पानी में मिक्स करेंगे।
और फिर जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कॉर्नफ्लोर की स्लरी डालते हुए एक हाथ से कड़छी को चलाते रहिए, यानी कि सूप को हम चलाते रहेंगे और एक हाथ से हम धीरे धीरे करके स्लरी को डालेंगे जिससे कि कॉर्नफ्लोर के लम्ब्स ना बन जाए सूप में। और इसके बाद फ्लेम को लो कर दीजिए बिल्कुल, और अब लो फ्लेम पर हम इस सूप को ढक कर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। और अब 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं सूप की थिकनेस बहुत अच्छी आ चुकी है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट थिकनेस है हमारे सूप की, टेस्ट भी बिल्कुल परफेक्ट है, आप ट्राई करेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, अब हमें लास्ट में इसमें एक इंग्रेडिएंट और ऐड करना है, वो है क्रीम। तो मैं यहाँ पर अमूल की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, लगभग 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून फ्रेश मलाई डाल सकते हैं। मलाई को 1-2 बार सिर्फ चम्मच से फेर लीजिएगा जिससे कि वो स्मूथ हो जाए, यानी कि उसकी कंसिस्टेंसी बराबर हो जाए, कहीं गाढ़ा और कहीं पतला ना हो मलाई। और अगर आपके पास मलाई या क्रीम दोनों ही नहीं है तो दोनों ही रहने दीजिएगा, पर हाँ क्रीम या मलाई डालने से सूप का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, क्रीमी थोड़ा और हो जाता है ये, और कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो परफेक्ट कलर के लिए, क्रीमीनेस के लिए मलाई या क्रीम ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो रहने दीजिएगा, उसके बिना भी ये सूप अच्छा लगेगा। तो चलिए, सूप तो बिल्कुल रेडी है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, अब इसको सर्व करते हैं। तो सूप मैंने यहाँ बॉल में लगा लिया है, इसको गार्निश करने के लिए आप थोड़ी सी क्रीम ऊपर से भी डाल सकते हैं और टूथपिक से इस तरह से गार्निश कर सकते हैं। तो आप इस स्वीट कॉर्न मशरूम सूप को जल्दी से अपने घर में ट्राई कीजिए, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी और रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल चीना इन द किचन को विज़िट कर सकते हैं। सॉरी, मेरा बेटा पीछे से बहुत शोर मचा रहा है। और चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। और ऐसी और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपके पास मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन या मैसेज पहुंच सके। दी एंड। वेलकम टू माय चैनल। नॉट वेलकम टू माय चैनल, से थैंक्स फॉर वाचिंग। ओह, थैंक्स फॉर वाचिंग। वेलकम टू माय चैनल। आज माय मॉम इज गोइंग टू मेक पापड़स एंड इट्स गोइंग टू बी सो यम्मी।